भारत ने जब से आर्टिकल 370 हटाई है तब से मानो इमरान खान पगला से गए हैं। पूरी दुनिया में कश्मीर राग अलापने के बाद भी उनको सिर्फ फटकार और बेइज्जती ही मिली है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी को पूरी दुनिया से अवार्ड पर अवार्ड मिले जा रहे हैं, जिससे जल भूनकर कटोरा खान कभी भारत को एटम बम की धमकी तो कभी एयर स्पेस बंद करने की धमकी दे रहे हैं, और यह भूल जा रहे हैं कि इसे भारत को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पैसे पैसे का मोहताज पाकिस्तानियों को रोटी मिलना भी मुश्किल हो जाएगी। ऐसे में सवाल हमारा ये कि क्या पाकिस्तान को भारत के लिए फजाई रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद कर देना चाहिए, हाँ ये नहीं के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए। जनरल साहब, मैं सबसे पहले आपसे आगाज करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, भारत ने वो हर वो काम किया है जिसके जरिए वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता था, पहुंचाता रहा है। FATF में भी आप देख लीजिए, या जो हमारी इकॉनमी बर्बाद हुई, जो हम कहते हैं 150 बिलियन डॉलर का हमें नुकसान हुआ, जो भारत यहाँ पे टेररिज्म करवाता रहा, हमें अमेरिका से जो इक्विपमेंट मिलना था वो भारत ने बंद कराया, उसकी वजह से पब्लिक में एक सेंटिमेंट है कि एक ऐसा मुल्क जो वैसे भी दुश्मन है और फिर कोई मौका जाने नहीं देता जिससे वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है तो ना पहुंचाए, वो हर मौका वो इस्तेमाल करता है। लिहाजा पब्लिक का एक प्रेशर है कि हमें भी भारत के मफादात को नुकसान पहुँचाना चाहिए। लिहाजा उसमें पिछले दिनों जब हमने एयर स्पेस बंद किए रखी तो काफ़ी सारा भारत को नुकसान उठाना पड़ा माली, और वो ही एक चीज़ है जिसकी मिसाल लोग दे के तो बात करते हैं। लेकिन उस वक्त भारत से हमें एक जंग का ख़तरा था, उन्होंने भी अपने एयरबेसेज अलर्ट पे रखे हुए थे, और हमारे पास एक जवाब था कि हम इन भारत से हमें थ्रेट है, लिहाजा हमने ये किया हुआ है। जैसे उन्होंने अपने एयरबेसेज को नॉर्मल लेके आए और उनकी वो उन्होंने अलर्ट ख़त्म किया अपना, तो हमने एयर स्पेस खोल दी। अब सूरत हाल ये है कि वो सिचुएशन नहीं, और आप एयर स्पेस बंद करते हैं तो हुकूमत को उसको मजमरात देखने चाहिए। बहुत सारी एयरलाइंस हैं जो मशरक वस्ता से यहाँ ऑपरेट करती हैं, साउथ ईस्ट एशिया जाती हैं, और अगर हमने एयर स्पेस बंद की और भारत उधर से बंद करता है तो ये सारी फ्लाइट जो यहाँ से जाती हैं इनको बड़े लंबे डिटूर लेना पड़ेंगे, या ये कराची आना छोड़ देंगे। जब ये कराची आते हैं तो हमारे एयर बेसिस हैं या हमारे एयरपोर्ट्स हैं वो यूज़ करते हैं, उसके हमें पैसे मिलते हैं और मुसाफिरों को भी एक सहूलत है। इसके साथ साथ ये है कि इंटरनेशनली जो है हमारी इंटरनेशनल सिविल एविएशन या इंटरनेशनल एविएशन एसोसिएशन जो है वो भी इन चीज़ों को मॉनिटर करती है, और अगर मुख्तलिफ एयरलाइंस जो हैं वो उनको रिक्वेस्ट करें या उनको अप्लाई करें और कहें, शिकायत करें कि जी ये काम इन्होंने कर दिया ऐसे ही और इससे हमें माली नुकसान हो रहा है, तो हो सकता है वो भी पाकिस्तान से एक्सप्लेनेशन वगैरह मांगे। सो ये वो चीज़ें हैं जिनको देख लेना चाहिए। अगर आईडीए के नुक्ते निगाह से देखें तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए, हमारा दुश्मन है, हमें हक पहुँचता है कि हम उसके मफादात को नुकसान पहुँचाएं। लेकिन अगर उसके जवाब में हमारे मुफादात को उससे ज्यादा या उतना ही नुकसान पहुंचता है तो फिर हमें सोच विचार लेके काम करना चाहिए।